गाइस फाइनली आज मेरे बचपन का सपना जो है वो पूरा होने वाला है। नहीं भाई, मुझे अभी तक स्पाइडरमैन वाली पावर नहीं मिल पाई, बट आज हम लोग जा रहे हैं कैंपिंग करने। और गाइस इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि बचपन से यार मैं सोचता था, जब भी हम मैन वर्सेस वाइल्ड देखते थे ना, बियर ग्रिल्स वाला शो, तभी हमें भी लगता था क्या हम लोग ऐसे एडवेंचर पर जा सकते। क्या हम लोग ऐसे एडवेंचर पर जा सकते हैं जहां पर आग भी हमें लकड़ियां घिस कर लगानी है? जी हाँ गाइस, आग लगाने के लिए हम माचिस यूज नहीं करेंगे, काफी अलग अलग तरीके होंगे, वैसे तरीके यूज करेंगे और कैंपिंग करेंगे इस जंगल में, और जहां पर काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है और ये और गाढ़ा होता जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए मेरे पीछे। सॉरी गाइस, यहाँ पर हम कार लेकर आए हैं तो हमें कार लेकर ही जाना है, और हंसना मत, हम ऑफ रोडिंग वैगनर से करते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरी कार ही नहीं है। आ जाओ। ओके गाइस, तो हम आगे बढ़ने लगे हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो वो मैं कार को भाई टूट जाएगी, मुझे लग रहा है वैगनर हमारी आज टूट ही जाएगी, वक्त की बात है। सो गाइस फाइनली जिस बात का डर था वही हुआ, कार जो आधी आधी तो टूट चुकी है, ऑयल भी लीक होने लगा इसका, कहीं पत्थर वगैरह आ गया था नीचे, बट कोई नहीं यार, अब ये आ गए तो आ गए। चलो गाइस, यहाँ पर हम जब ऐसी जगह पर आते हैं तो हमारी सेफ्टी भी ज़रूरी होती है, तो इसलिए ये डंडा रखना पड़ रहा है साथ में, क्योंकि पता नहीं यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या कभी सामने आ जाए, तो अगर आपने सेफ्टी नहीं रखी है तो वो चीज़ आपकी बैंड भी बजा सकती है, क्योंकि ये जंगल है, कोई मजाक नहीं है। आ जाओ मेरे पीछे। गाइज यहाँ से जो मेन जंगल की शुरुआत हो ही चुकी है, वैसे तो पहले ही हो चुकी थी, बट यहाँ पर और घना होता जाएगा। यहाँ पर आप देखिए रास्ता ही कैसे शुरू हो रहा है, देखो एकदम घना जंगल है यहाँ पर। खासकर गाइज यहाँ पर ऐसी जगहों पर सांप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि और चीज़ें तो आपको दिख जाती है बट सांप जो है मुश्किल से दिखता है, तो उसका भी ध्यान रखना है। गाइज ये जगह मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, एकदम घनी है, साथ में यहाँ पर बाजू में ही पानी है, अगर हमें पानी भी की ज़रूरत पड़ती है तो हमें पानी भी मिल जाएगा यहाँ पर। एंड गाइज मुझे यार ये जो चीज़ देखी ना, काफ़ी ज़्यादा अजीब है। यहाँ पर आओ, देखो गाइज, ये कुछ ऐसा पुराना कमरा सा बना रखा है, देखो है ना कमाल, मतलब क्या पता कुछ सालों, कुछ 100 साल पहले लोग इसे घर की तरह या फिर एक कमरे की तरह यूज़ करते हो, जो कि अभी ढह चुका है पूरी तरीके से, कुछ पत्थर ही बचे हैं बाकी। यार देखो यार, इतना छोटा कमरा और वो भी पत्थर का बना, दिखा दो ज़रा। गाइज यार जब हम ऐसे निकलते हैं ना तो हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि अगर हम घर पर ही बैठे रहे मोबाइल के अंदर तो भाई ऐसी चीज़ें आप देख भी नहीं पाते, मतलब यार सोचो इसके अंदर कोई रहता था। आ जाओ अभी। हाँ सही है, जगह काफ़ी ज़्यादा ओसम है और एकदम घना है, ऊपर देख लो छांव भी आ रही है यार, मतलब यार दिल खुश हो जाता है यार, मतलब यहाँ पर इतना सारा पानी जा रहा है, पास में कहीं पर धूप नहीं पड़ रही है, माहौल जो एकदम बढ़िया है कैंपिंग करने के लिए। तो यहीं पर मैं सोच रहा हूँ कहीं आसपास टेंट लगा देते हैं। गाइज यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें लाई है कैंपिंग करने के लिए, तो पहले इस सामान को उतारते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। आ जाओ अभी ना गाइज, इसमें एक टेंट है, मतलब ये जो टेंट है गाइज, ये 5 या फिर 6 लोगों का टेंट है, और इसके अंदर 5 या 6 लोग आराम से आ सकते हैं बट सो नहीं सकते। ओके, तो यही वही टेंट है जो हम यूज़ करते रहते हैं। टेंट तो भाई ऐसा होता है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, इसके स्टिक्स होते और एक कपड़ा होता है। टेंट जो हमारा वो रेडी है यूज करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कितने लोग आराम से बैठ पाते हैं और कितने नहीं। अभी इसको करते हैं ओपन यहाँ से। ओके, कुछ इस तरीके की यहाँ पर आपको जगह मिल जाती है। ओके, अगर आप जंगल में कैंपिंग कर रहे हो तो ये चीज़ आपको 2000 रुपये में ऑनलाइन मिल जाएगी और काफ़ी यूज़फुल है। अगर हाँ भाई ऐसे बात करें ना, तो 6 लोग इसमें आ सकते हैं बट मज़े से नहीं बैठ सकते। ओके, 3 लोग तो इसमें फिट बैठ जाएंगे, जब आप 6 लोगों का कैंप लेते हो तभी आपको 3 की कैपेसिटी मिलती है, वो आपको याद रखना है। ओके, गाइस कैंप तो लग गया अभी हमारा, अभी पानी तो यूज़ करने लायक है नहीं, क्यों नहीं? ओके गाइस, तो पानी गंदा है, हमने सोचा था हम जो अपना पानी लाए हैं उसे हम पीने में यूज़ करेंगे, बाकी जो हम खाना वगैरह बनाएंगे उसे हम ये जो नेचुरल पानी है ना उसको यूज़ करेंगे, बट देखने से लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा गंदा है, तो कोई नहीं इसको यूज़ नहीं करते हैं। गाइस जब कैंपिंग की बात आती है तो अपना टेंट लग जाने के बाद में पहली ही चीज़ आती है आग। जी हाँ गाइस, फटाफट से हमें जो लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेगी कुछ ऐसी। ओके सही है, ये लकड़ी सही है। और गाइस यहाँ पर आपको एक भी पौधे को नुकसान नहीं पहुँचाना है, क्योंकि भाई देख लो
यहाँ पर आपको सब रिसोर्सेस मिल जाएंगे। आपको सूखी लकड़ियाँ चाहिए तो सूखी लकड़ियाँ भी मिल जाएगी आपको, किसी भी पौधे को जो नुकसान पहुँचाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। गाइज यहाँ पर हमारा जो चूल्हा है वो बनकर रेडी हो चुका है, एंड गाइज यहाँ पर हमारे पास माचिस भी है। ओके, बट हम माचिस का हो सके तब तक यूज़ नहीं करने वाले, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है जिसका हम यूज़ करेंगे। जैसे कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, इस बल्ब की मदद से आग लगानी है, और बाद में इस प्लास्टिक की मदद से। जी हाँ गाइज, इसकी मदद से अभी कैसे आग लगेगी वो तो आप देख लेना। ओके, ये ट्राई मैं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कौन सा तरीका जो यहाँ पर काम अच्छे तरीके से करेगा। देखो इसके अंदर हमने पानी भर दिया गाइज, आ जाओ यहाँ पर, लेट्स सी कि कैसी आग लगती है यहाँ पर। यहाँ पर हम रुई यूज़ कर रहे हैं, रुई के ऊपर आप चाहे तो कोई ऐसे सूखे पत्ते वगैरह डाल सकते हो। ओके, कुछ ऐसे। तो गाइस आप देख रहे हो एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना उसकी तरह ये फोकस तो कर रहा है बहुत ही बढ़िया से। अभी देखना ये रहेगा कि इसमें आग लगने में जो वो कितनी देर लगती है यहाँ पर। 2000 years later गाइस यहाँ पर हमारा बल्ब जो वो फेल हो चुका है, और क्योंकि ये सनलाइट जो वो काफी लो आ रही है, ऐसा नहीं है कि हम छांव में बैठे बल्कि हर जगह पर बादल छाए हुए, इसीलिए सनलाइट जो वो पहले से ही लो आ रही है। चलो इसको लो अभी, है ना, इसका यूज़ करके हम आग लगाएंगे दो पानी, एंड होपफुली ये जो तरीका है ये इस बार हमारा जो वो काम कर जाना चाहिए। काम करता है वैसे, ये भी काम करता है, बट मुझे नहीं पता है कौन सी ट्रिक में हमें सक्सेस मिलेगी या फिर हमें लास्ट में जो माचिस का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर भी ये मैंने जो रुई ले ली है ये 2000 years later गाइस यार यहाँ पर मुझे नहीं लगता सक्सेस मिलेगी, क्योंकि देखने पर से तो ऐसा लग रहा है कि हमने इसको भी 15-20 मिनट तो आराम से ऐसे ऐसे ट्राई कर लिया है, बट कुछ हो नहीं रहा है। गाइस फेल, हम जो सोच कर आए थे सब फेल चला गया। हम काफ़ी सारी चीज़ें लाए हैं जिसके लिए हमें सनलाइट चाहिए, बट भाई धूप छाई हुई नहीं है, मतलब बादल छाए हुए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें जो माचिस का यूज़ ही करना पड़ेगा। और लकड़ियाँ तो हमें घिस घिस कर भाई सदियाँ निकल गई, बट इससे तो आग लगी नहीं, हमने ट्राई कर लिया, मैंने सोचा चलो फालतू की कोशिश नहीं दिखाते। तो चलो कोई नहीं, अभी हमें खाना बनाना है तो कैसे भी करके आग तो लगानी होगी, लास्ट में माचिस यूज़ करते गाइस। कुछ टेक्निक होती है उसे अगर आप 100% जो सही तरीके से फॉलो करते हो ना, तब जाके आग लग सकती है आसानी से। ओ कर दिया सत्यानाश, एक तो इतनी मुश्किल से आग लगाई थी उसके ऊपर पानी गया। ओके गाइस, तो अभी सही है, अब जाके जो पानी डाल दे छोटे। ओके, हो भाई खाना बनाना जंगल में बहुत मुश्किल है लदे में। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। पता नहीं आज सुबह उठकर किसका चेहरा देखा था। तो गाइज अभी सब कुछ सही चल रहा है, अब ये नीचे ना गिर जाए तो अच्छा है, उठ जाएगा ना कहीं, तू गिरा मत देना। ये तो बस इतनी सी चलेगी क्योंकि मुझे कोई भूख ज़्यादा लगी नहीं है। छोटू ये बता, यहाँ पर अगर नाइट चैलेंज करे, मतलब नाइट में कैंपिंग करे तो कैसा रहेगा? डर लगेगा। गाइज यहाँ पर डर तो लगेगा लेपर्ड से, और नाइट में अगर आपको चाहिए यहाँ पर हम कैंपिंग करें नाइट में फुल नाइट इस डरावनी जगह के ऊपर, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, वो भी बता देना। गाइस तो खाना पीना हो गया है, हमने हमारा काम निपटा दिया है, और छोटू जो वो अपना काम कर रहा है वो बर्तन लेकर साफ करने गया है। और भाई सच में जगह तो मज़ेदार। ओए ओए लेपर्ड 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 लेपर्ड, ये देख वहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तुझे क्या लगा लास्ट टाइम की तरह सच में है? भाई पिछली बार मैंने सोचा तेरा क्या रिएक्शन आता है देखते, बट ये तो अरे यार सीधा पेड़ के ऊपर गया। अभी सोचो अगर लेपर्ड होता ना, लेपर्ड वो पेड़ पर आराम से चल सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, तो इसने तो भागने के लिए पेड़ चुना और कोई जगह भी नहीं चुनी। मुझे पता है इसका रिएक्शन कुछ अलग ही होता है हर बार। आजा कैसा लगा, मजा आया बोल? अरे क्या मजा आया इसमें। कुछ इस तरीके से आकर सो सकते हैं टेंट के अंदर। ऐसे हमारा खाना पीना हो गया है। सो गाइस हमने टेंट वगैरह सब कुछ जो डिसअसेंबल कर दिया, सब कुछ समेट लिया है, और हम यहाँ से अभी निकलने वाले हैं। सो गाइस कैंपिंग हो गई खत्म, एंड आई होप आज की जो वीडियो थी इसमें आपको मजा आया होगा, और जरा भी मजा आया है ना तो प्लीज जो लाइक का बटन है उसे जरूर से दबा देना, और चैनल को करना सब्सक्राइब और बेल के आइकन पे प्रेस।
कुछ ज्यादा ही हो गया। चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।